नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो लोकसभा चुनाव के नजरिए से देखा जाए 80 सीटें उत्तर प्रदेश में आती। भारतीय जनता पार्टी 10 सालों से बेहतर प्रदर्शन करती नजर आ रही। लोकसभा चुनाव के अलावा विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी से उनका सीधा मुकाबला देखने को मिलता रहा है। जो पार्टी समाजवादी पार्टी यहाँ पर 2017 के विधानसभा चुनाव में पिछड़ती नजर आई थी, 2022 के आते आते वो आंकड़ा विधानसभा चुनाव में 125 पार कर जाता है और 125 से अधिक सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत मिलती। 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी 62 से 63 सीटों पर चुनाव लड़ती नजर आ सकती। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अखिलेश यादव पल्लवी पटेल को साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं। अखिलेश यादव की कोशिशें हैं कि पल्लवी पटेल की बात करें, जो कि अपना दल कमेरावादी पार्टी की नेत्री हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा सियासी आधार रखती हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल आगामी वक्त में मिर्जापुर सीट से चुनाव लड़ती नजर आ सकती हैं। इसके साथ साथ फूलपुर सीट की भी बात हो रही है, लेकिन फूलपुर सीट जो कि हॉट सीट मानी जाती है, पंडित नेहरू से लेकर माफिया आतिक अहमद तक उस सीट से सांसद बनते आए हैं। अब देखना ये होगा कि पल्लवी पटेल जो 2 सीटों पर कम से कम चुनाव लड़ना चाहती हैं, जिनमें 1 सीट पर कृष्णा पटेल जो उनकी माँ है उनको चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, तो दूसरी तरफ पल्लवी पटेल भी 1 सीट की मांग करती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की जौनपुर सीट उनकी प्राथमिकता के तौर पर देखी जा रही है, लेकिन अखिलेश यादव चाहते हैं कि प्रयागराज, जहां पर बीजेपी अपना गढ़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है, वहां पर पल्लवी पटेल को चुनावी मैदान में उतारा जाए और लोकसभा चुनाव में मजबूती से चुनाव लड़ा जाए। अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल दोनों अलग अलग रास्तों पर चलती नजर आ रही हैं। दोनों बहनें अलग अलग अपनी पार्टियां बना चुकी हैं। पल्लवी पटेल जहां अपना दल कमेरावादी को चला रही हैं, तो अनुप्रिया पटेल अपना दल सोनेलाल की नेत्री हैं। अनुप्रिया पटेल वर्तमान में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और मजबूती के साथ राजनीति कर रही हैं। ऐसे में अखिलेश यादव से पिछले दिनों पल्लवी पटेल की जो मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात के मायने निकाले जा रहे हैं कि पल्लवी पटेल जौनपुर या फिर फूलपुर सीट से चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती है। ऐसे में आगामी वक्त में किस तरीके से राजनीतिक समीकरण बनते हुए नजर आएंगे, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9।